हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक आईडियाज। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि नोट्स कैसे बनाएं। आप लोगों में से बहुत से लोगों को मैसेज आए हैं कि नोट्स कैसे बनाएं, प्री के लिए नोट्स कैसे बनाएं, मेंस के लिए नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स बनाना अभ्यर्थियों के जीवन में बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं हकीकत बताऊँ आपको कि ऑनलाइन के तो ठीक ही अभ्यर्थी, ऑफलाइन में ऐसे अभ्यर्थी जो 3 साल 5 साल कोचिंग कर चुके हैं, फिर भी उनके नोट्स इतने मानक के अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर एक तरीके से उनके इस तरीके से नहीं बने हुए नोट्स कि पेपर में उन्हें तो मदद मिल पाए या फिर उसका प्रॉपर रिवीजन कर पाए। नोट्स बनाएंगे तो पता चला पूरी किताब ही छाप दी है, ठीक है। मान लो आप स्पेक्ट्रम की किताब है, आपकी 500 पेज 550 पेज की किताब है, आप 550 पेज की किताब का नोट्स अगर मान लीजिए आप बना रहे हैं, या फिर लक्ष्मीकांत की किताब 600 650 पेज की किताब का अगर आप नोट्स बना रहे हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि 700 पेज का जो आपका नोट्स होना चाहिए वो कितने पेज में होना चाहिए। मैं 10 पेज 15 पेज 20 पेज, तो वही यहाँ पर नोट्स बनाने की ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग नोट्स बनाए। पूरी वीडियो देखिए, मुझे पता है कि इससे जरूर आपको लाभ होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्री के ऊपर, और बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग प्री के ऊपर ही बात करेंगे कि प्री के नोट्स कैसे बनाएं और प्री के नोट्स जो आपको बनाने हैं वो कहाँ से बनाने हैं। और महत्वपूर्ण ये है कि आपको ये पता हो कि नोट्स में लिखना क्या है, ठीक है, वही चीजों के आप नोट्स यहाँ पर बनाएं, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। आपको पता होगा कि जो UPPCS का जो PT है वो 24 अक्टूबर को है, और 24 अक्टूबर को PT है, तो लगभग 70 दिन का समय भी बचा हुआ है। ये 70 दिन मुझे लगता है पर्याप्त है प्री के लिए। अगर आपको प्री क्वालिफाई करना है और आप आज से तैयारी शुरू करते हैं, तब भी मुझे लगता है कि 70 दिन पर्याप्त हैं। बस सिर्फ आपको ये पता हो कि पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। अगर नोट्स बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं, जिससे कि हम लास्ट में जो टाइम आपके पास मिले उसमें आप रिविजन करना है उसका बार बार, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर वही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो आप जो बुक्स पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसके आपको नोट्स बनाने हैं। नंबर टू पे मान लीजिए आप कोई प्रीवियस ईयर पेपर की किताब पढ़ रहे हैं, जिसको या तो आप यूथ की पढ़ सकते हैं, या घटना चक्र की, या फिर सिर्फ, या फिर हो सकता है मार्केट में और भी कोई किताब हो जिसमें उसकी जो व्याख्या है वो दी रहती है, वो पढ़ेंगे। नंबर थर्ड पे आप लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर भी आप लोग पढ़ेंगे। बेसिकली जो शिल्पी और जो घटना चक्र होती है वो प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर ही तैयार होती है, तो वो है। नंबर फोर पे आप कोई टेस्ट सीरीज लगाएंगे, ठीक है, जो कि मस्ट है अगर वर्तमान में देखा जाए, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो है उससे आप एक अनुमान लगा पाते हैं कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, या फिर आपको कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है अभी, ठीक है, तो वो है। तो लगभग 3-4 चीजें हैं जो आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं प्री के लेवल पे आपको फैक्ट की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। बेसिकली अगर मैं यूपी की बात करूँ, यूपी में PT में फैक्ट के अलावा कुछ है ही नहीं। कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए ना, तो हो सकता है 150 क्वेश्चन में से 5 या 7 क्वेश्चन ऐसे रहे जो कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है, जिसमें कोई कॉन्सेप्चुअल चीज पूछी गई है, कोई डेफिनेशन पूछी गई है, या कोई ऐसी चीज पूछी गई है जो जिसमें कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आप फैक्ट की बात करें तो मैक्सिमम जो है वो फैक्चुअल चीजें इसमें आती हैं पीटी के लेवल पे, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि नोट्स सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपका टारगेट होना चाहिए कि आपके जो प्री के नोट्स हैं वो मैक्सिमम होने चाहिए 70 से 80 पेज के, ठीक है, 70 से 80 पेज के आपके पीटी के नोट्स होने चाहिए। करेंट अफेयर्स के मंथली जो है पीटी में 70 से 80 पेज, मैंने क्या बताया आपको, इसमें आपकी हिस्ट्री भी शामिल है, इसमें आपकी पॉलिटी भी शामिल है, इसमें आपकी ज्योग्राफी भी शामिल है, ठीक है, इसमें आपकी इकोनॉमी भी शामिल है, ठीक है, तो इसमें साथ में आपकी जो है ज्योग्राफी भी शामिल है। ये 70 से 80 पेज के आपके नोट्स होने चाहिए। इसके बाद हम आते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर। करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर देखा जाए तो करंट अफेयर्स गेम चेंजर है। लगभग 35 से लेकर 40 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं। करंट अफेयर्स के बाद आपके मंथली कम से कम 7 से 10 पेज का नोट होना चाहिए मंथली लेवल पे। तो भाई आपका मंथली जो है, आपको मान लीजिए आपको पूरी जो है 7 महीने की करंट अफेयर्स, 8 महीने या 9 महीने की करंट अफेयर्स आपको कवर करनी है। मान लीजिए आप जनवरी से लेकर यहाँ पर सितंबर तक की करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, तो आपके पास जनवरी से लेकर सितंबर तक की जो करंट अफेयर्स है उसके कम से कम 70-80 पेज में नोट्स होने चाहिए।
जिससे कि आप वहां पे जाके तुरंत रिवीजन कर पाए। 70-80 पेज में आपके खुद के लिखे हुए नोट होने चाहिए। मार्केट में जो किताब आती है 250-300 पेज 300 पेज की आती है, 70-80 पेज में आपको वो 250-300 पेज समाप्त करने हैं। और साथ में आप अगर कोई मंथली लेवल पे अपनी कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं तो आपको उसको भी कवर करना है, ठीक है, 70-80 पेज में। तो आपका ये होना चाहिए कि आपकी 70-80 पेज में जो है वो करंट अफेयर्स कवर हो गई है, साथ में जो है ये जो 80 पेज आपने बनाए हैं ये आपके जो विषय हैं उसके नोट्स, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नोट्स आपको बनाने कैसे हैं। तो नोट्स अगर आप देखें तो आपको वही चीजें लिखनी है जो आप याद नहीं कर पा रहे हो, जो चीजें आप बार बार भूल जाते हो, जो फैक्ट है वो आप भूल जाते हैं, वो चीजें आपको लिखनी है। जैसे कि मान लीजिए आपको, मैं अगर पॉलिटी की बात करूं, पॉलिटी में आपको नोट बनाना है, तो पॉलिटी में अगर देखा जाए तो हम मान के चलते हैं, जैसे कि मान लीजिए लोक लेखा समिति के ऊपर क्वेश्चन बनता है, प्राक्कलन समिति के ऊपर बनता है, या कोई भी अन्य समिति है जिसके ऊपर बनता है, या फिर मान लो संविधान की जो विशेषता है इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, हो सकता है ये आ जाए कि संघीय संविधान या फिर एकात्मक संविधान की कौन कौन सी विशेषता है, उसमें 2-3 ऑप्शन आ जाएंगे आपके चेक करने के लिए कि मतलब इसमें से कौन सा सही है। मान लो इस तरह का, कौन सी संघात्मक विशेषता है, कौन सी आपकी एकात्मक की विशेषता है, हो सकता है प्रीएम्बल में कोई फैक्ट आ जाए आपका। तो आपको करना क्या है कि जैसे कि मान लो आपका जो है आपने लिखा एकात्मक की क्या क्या विशेषता है, और यहाँ पर 4-5 शब्द यहीं पर लिख लिए, ठीक है, कि ये विशेषता है एकात्मक की, तो आपका क्या हुआ यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखो अगर कोई क्वेश्चन आएगा संघात्मक के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें आपकी 2-3 पॉइंट ये रहेंगे जो एकात्मक वाले, वहां से आप अपना क्वेश्चन आपने आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से जैसे कि मान लीजिए आपको लिखना है किसी भी समितियों के बारे में, आपको किसी भी अनुच्छेद के बारे में, मान लो जैसे कि बहुत सारे अनुच्छेद हैं, ठीक है, जो आपको कवर करने हैं, जो आर्टिकल्स हैं जो आपको कवर करने हैं, है ना, तो आर्टिकल्स के जो आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है, आर्टिकल की जो आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है, तो वो ऐसे बनाने हैं नोट्स कि जो मेन मेन आर्टिकल्स हैं, है ना, वो आपको प्रॉपर तरीके से कवर करने हैं। जो मेन मेन आर्टिकल्स हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका जो है आर्टिकल, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से आर्टिकल बार बार आते हैं, अगर आपने बार बार रिवीजन किया होगा, प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत डीपली स्टडी किए होंगे, तो आपको भी ये सारे आर्टिकल रिवीजन होंगे, ठीक है, और आपको सारे आर्टिकल ये आ भी रहे होंगे। आपको अगर आते हैं तो आप कमेंट में करके बताइए कि ये इनमें से आपको कितने आर्टिकल्स एकदम रटे हुए हैं। जैसे कि आप देखेंगे अगर महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की हम यहाँ पे बात करें, तो आर्टिकल जैसे कि मान लीजिए आपका 1 से लेकर 3 तक जो आर्टिकल है वो महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 11 जो है वो महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 19 तक, या फिर आर्टिकल 19 के बाद 21वां जो है वो महत्वपूर्ण है, 32वां महत्वपूर्ण है, इसके बाद 32 के बाद जो है आपका आता है आर्टिकल 36, ठीक है, 36 महत्वपूर्ण है, 40 महत्वपूर्ण है, ठीक है, 40 के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर आर्टिकल 44, 48, 50, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, 61 है, 72 है, 75 है, 79 है, 89 है, 105 है, या 108 है, 110 है, 117 है, तो ये जो आर्टिकल्स हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से आप बताइए कितने आर्टिकल आपको एकदम रटे हुए हैं जो बार बार आपने अगर स्टडी की होगी। और देखिए यही आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, अगर मान लीजिए आप 35-40 आर्टिकल याद कर लेते हैं और उसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन आपके निकल आते हैं, पर्याप्त है वो क्वेश्चन आपके लिए, और वही आपको नोट्स में मेंशन करना है, भाई नोट्स में आपको लिखना भी है, ठीक है। इसके बाद जैसे कि मान लो आपने ये लिखा कि भाई लोक लेखा समिति है ना, लोक लेखा समिति हुआ तो कितने मेंबर है इसमें, क्वेश्चन 1-2 बनते हैं, कितने मेंबर है यही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो आपको क्या करना है, नोट्स के लेवल पे आपको ये करना है, जैसे कि मान लो आपका जो है एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट में आप वाणी पब्लिकेशन की किताब पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है, और वही किताब पढ़िए भी, वाणी की किताब एनवायरमेंट के लिए सफिशिएंट है। तो आप अगर वही किताब पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मान लो आपके टोटल अगर 10 चैप्टर भी हैं उस किताब में, तो 10 चैप्टर की मैक्सिमम आपको 15-20 पेज में कवर करने हैं वो हर हालत में, ठीक है, हर हालत में 15-20 पेज में कवर करना है, जिससे कि आप रिविजन उस टाइम पे ये इन पेजों का कर पाए, ठीक है, चूंकि रिवीजन बहुत आवश्यक है उस टाइम पे, तो रिवीजन इतने ही पेज का आप कर पाएंगे। जैसे कि इसी तरह देखो होता क्या है कि हाँ नोट्स जो बनाए वो मेन मेन टॉपिक के बनाए, ये नहीं कि आपने शुरू से उठाया स्पेक्ट्रम की किताब उठाई, पहला चैप्टर आपने देखा और उससे आप एंड तक के नोट्स बना रहे हैं 700 पेज के, ठीक है, वो नहीं करना है हमें। नोट्स जो बनाने हैं वो बहुत महत्वपूर्ण जो सिलेक्टेड आपके टॉपिक हैं, ठीक है, सबसे पहले आपको ऐसे 150-200 टॉपिक का चयन करना पड़ेगा जिससे बार बार क्वेश्चन आते हैं, जैसे चक्रवात हुआ उससे आते हैं आपकी, या फिर स्थानीय पवने जो है वो हुई उससे क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी की,
अगर हम लोग बात करें पॉलिटी में संसद हुई या फिर आपका जो है पंचायती राज हुआ या फिर मूल अधिकार हुआ, तो इससे बार बार क्वेश्चन आते हैं। इतिहास में बुद्ध हुआ, जैन हुआ, ठीक है, इससे आते हैं मुगल हुआ, सल्तनत काल हुआ और गांधी के आंदोलन, जो मेन मेन कोर कोर टॉपिक्स हैं उनके नोट्स होने चाहिए। अब जैसे कि मान लो गांधी के आंदोलन है, अब हर बार एक क्वेश्चन आता है गांधी के आंदोलन को मैच करने के लिए कि भाई अपने 8-10 आंदोलन है वो मैच करने के लिए आ गया, तो आपको याद होना चाहिए कि गांधी ने कौन सा आंदोलन 1918 में हुआ है, कौन सा आंदोलन 1920 में हुआ है, कौन सा आंदोलन 1930 में हुआ है, कौन सा गांधी ने गांधी इरविन समझौता कब हुआ, गांधी और जो पूना समझौता है कब हुआ, अगस्त प्रस्ताव कब हुआ, बेबिल प्लान कब आया। तो ये सारी चीजें जो फैक्चुअल चीजें हैं वो आपको डेट वाइज एक पेज पे आप लिख लीजिएगा। मान लो एक पेज है जिसमें आपने सारे जो डेट्स हैं वो लिख लिए हैं। अब आपको पता है कि इन डेट्स में से दो क्वेश्चन हमारे निकल के आ ही जाएंगे, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के, तो वो आपके लिए पर्याप्त है। इसी तरह अगर आप देखें जैसे कि मान लो मुगल काल हो गया, ठीक है, मुगल काल हो गया, तो मुगल जो ये मैं जो आपको टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है, इसी तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। जैसे मुगल काल हो गया, अब मान लीजिए मुगल काल में शाहजहां हुआ है या फिर मान लीजिए आपका अकबर हुआ है, कोई भी हुआ, तो आपको क्या करना है कि भाई बार बार जो चीजें आती हैं वो आती हैं शाहजहां ने क्या क्या कार्य करवाए। तो आप देखिए 10-12 कार्य है ना, 10-12 कार्य है जो आपको लिखने हैं, तो एक पेज पे उसको लिख लीजिएगा। एक पेज नहीं मतलब कम से कम जगह पे, मतलब नोट्स ऐसे होने चाहिए जो आप ही पढ़ पाए, आपके नोट्स आपके अलावा कोई ना पढ़ पाए, तो वो ज्यादा बेहतर है, जिससे कि आप उसका रिविजन बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये मान लीजिए आपके 15-20 पेज में ये हो गए आपके मॉडर्न हिस्ट्री के नोट, मॉडर्न के हो गए नोट्स, मॉडर्न के 15-20 पेज मैंने बहुत बोल दिए, हालांकि मॉडर्न के आपको 4-5 पेज में रिवीजन करना चाहिए। जैसे कि देखो अब होता क्या है, जैसे मान लो आपका कृषक आंदोलन है उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, जनजाति आंदोलन के ऊपर क्वेश्चन आता है, या फिर जो कांग्रेस के पहले जो संस्थाएं गठन किया गया उसका क्वेश्चन आता है, तो कितने क्वेश्चन बनते हैं आप ये सोचिए। नंबर वन डेट के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, नंबर टू इनके संस्थापक कौन थे इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। या फिर यह कहाँ पर थी, कोई संस्था लंदन में है मान लो, कोई संस्था बंगाल में है, ठीक है, तो इस तरीके से कि इसका गठन कहाँ पे हुआ संस्था का, यह क्वेश्चन बनता है। 3-4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इसी तरह कृषक आंदोलन है, तो मान लो कृषक आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, मान लो आपका मुंडा विद्रोह है, जनजाति आंदोलन हो गया, ठीक है, संथाल विद्रोह हो गया, या फिर मान लीजिए आपका सन्यासी विद्रोह जो नागरिक विद्रोह है वो हो गया, तो इसमें कौन कौन शामिल थे, ठीक है, कहाँ पर हुआ, उद्देश्य क्या, मतलब कि आपको सिर्फ 4 पॉइंट कवर करने हैं, 4-4 पॉइंट आपको हर आंदोलन के लिख लेने हैं, ठीक है। जो चीजें बार बार आती हैं, अगर आप मान लीजिए आपके टोटल 150 टॉपिक हैं, ठीक है, और 150 टॉपिक में अगर मान लीजिए हर पेज में आप हर नोट्स में आप अगर देख रहे हैं हर टॉपिक में, अगर मान लीजिए आप एक पेज में एक टॉपिक कवर करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका जो है 75 पेज आगे पीछे, ठीक है, सिंगल पेज में आपका एक टॉपिक आराम से आ जाएगा। अगर आप देखें स्थानीय पब में हुई चक्रवात, हुई चक्रवात कितने हैं, मतलब नाम आते हैं बार बार चक्रवातों के कि मैच करने के लिए, हरिकेन कहाँ पर है, ठीक है, या फिर बिली बिली कहाँ पर, तो ये शब्द जो आते हैं ये 8-10 शब्द हैं, ठीक है, 8-10 शब्दों में कितनी ही जगह लगेगी आपका, ये पेज है मान लो इतनी जगह लग जाएगी इसमें, है ना। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं जो मेन मेन चीजें हैं। जैसे कि मान लो यूपी के अगर देखा जाए एग्रीकल्चर के काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो एग्रीकल्चर के जो मेन मेन टॉपिक हैं वो आपके कवर होने चाहिए। जैसे कि मान लो आपका आपकी किसी फल का जो है कौन सा भाग खाया जाता है, ठीक है, वो एक क्वेश्चन हो गया, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है। या फिर मान लीजिए आपका जो है जो पादप है उनमें किस तरह की बीमारियां होती हैं, ये क्वेश्चन बन जाता है। रोग किस तरह के होते हैं, तो ये क्वेश्चन बन जाता है एग्रीकल्चर में। आजकल है ना जो बायो एग्रीकल्चर है उसके काफी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो आप लोग देख लीजिएगा जो जैव कृषि वाला पार्ट है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये बार बार आते हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस के आपको नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। तो नोट्स जो आपको बनाने हैं वो एकदम शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, डेटा अपना उस पर नोट करते जाइएगा, ठीक है। आपको डेटा के आधार पर नोट्स बनाने हैं, जैसे एग्रीकल्चर का जितना भी डेटा है, जैसे कि मान लो भारत किस क्षेत्र में प्रथम है ना, तो वो लिख लीजिए। यूपी कौन से क्षेत्र में प्रथम है वो नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इकोनॉमी का अगर मान लो कोई आपका जो है अभी तो जो बजट वगैरह नहीं आ रहा है, तो मुश्किल है कि बजट से कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, बहुत ही मुश्किल है, मतलब रेयर केस है कि बजट से अगर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, फिर भी आपको एक बार बजट देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको एक बार मान लीजिए बजट आपको देखना, तो बजट का जो मेन मेन डाटा है वो देख लीजिएगा, ठीक है, कितने करोड़ का बजट है, ठीक है, या फिर किस योजना में जो फेमस योजना है उसमें कितना धन दिया गया। अगर मान लो किसी योजना में बहुत ज्यादा वृद्धि की गई है धन देने में, धनराशि आवंटन में, तो वो योजना आप मान के चलिए महत्वपूर्ण हो गई है,
ठीक है, उसी योजना पे पूछ सकते हैं। तो इसी तरीके जो मेन मेन, अगर मान लो कोई कोई मान लीजिए आपका कोई राज्य है या फिर कोई देश है जो कोई बहुत नवाचारी कदम उठा रहा है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके जो क्वेश्चन है वो आपको करने पड़ेंगे। करंट अफेयर्स का जो है, करंट अफेयर्स के भी जो मैंने आपको बताया कि आपका 8 से 10 पेज में एक महीने की करंट कवर होनी चाहिए। तो आप जो मैगजीन पढ़ रहे हैं वो अच्छी बात है, ठीक है, मैगजीन आप पढ़ रहे हैं, मंथली मैगजीन आप पढ़ रहे हैं, 50 पेज की है, 60 पेज की, 70 पेज की, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सोचें कि हम ये 70 पेज की मैगजीन पेपर के पहले रिवाइज कर लेंगे, तो यार ये इम्पॉसिबल वाली बात है, नहीं हो पाती, पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो कोशिश ये करनी है कि जो ऐसे फैक्ट हैं जो आप भूल रहे हो बार बार, ठीक है, उन फैक्ट को आप लोग एक उस पर नोट डाउन कर लें। ठीक है, इसी तरह देखिए होता क्या है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, मान लीजिए घटना चक्र है, घटना चक्र आपने उठाई, या फिर मान लीजिए कोई भी अन्य किताब है जो आपने उठाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। अब उसमें क्या करिए कि जैसे मान लो इतिहास का है, इतिहास की मान लो आपने कोई किताब उठाई, ठीक है, अब होता क्या है कि आप अगर मान लो 700-800 पेज की है, मुझे जहां तक पता है इतने ही पेज की घटना चक्र होती है, ठीक है, 700-800 पेज की अगर आप बार बार उसको पढ़ेंगे तो पॉसिबल नहीं है कि आप उसको बार बार रिवाइज कर पाए। तो क्या करिए कि घटना चक्र उठाइए, उसके जो मेन मेन फैक्ट हैं वो एक पेज पर लिखते जाइए। ठीक है, इतिहास हुआ, भूगोल हुआ, या फिर अन्य कोई विषय हुआ, तो उसके जो मेन मेन फैक्ट हैं उसे आप लोग एक पेज पे और मतलब उन्हें नोट डाउन करते जाइएगा। अगर आप देखेंगे जो 700 पेज की जो घटना चक्र जो उसके जो उसकी उसमें व्याख्या में दिए हुए फैक्ट हैं, अगर 700 पेज की है तो आप मैक्सिमम ये कवर कर लेंगे 20 से 25 पेज में। ठीक है, अगर उसका मेन मेन जो फैक्ट है, तो अब ये तो आपको चीजें याद होगी होगी कि गांधी का आंदोलन कब हुआ, ये जो कॉमन चीजें हैं, है ना, असहयोग आंदोलन कब हुआ, सविनय अवज्ञा, ये नहीं भूलते हम लोग, लेकिन जो भूलने वाले फैक्ट होते हैं वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो 20 से 30 पेज में आपके ये सारे नोट मान लो इतिहास के हो जाएंगे, है ना, तो 70-80 पेज में अगर देखा जाए तो आपकी पूरी जो घटना चक्र की जो मेन मेन पॉइंट है, ठीक है, जो आप भूल रहे हैं बार बार, वो पूरे यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। इसी तरह मान लो आप कोई भी टेस्ट पेपर लगा रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि भाई जो टेस्ट सीरीज है वो आप लोग प्रॉपर टाइम में लगाइए, 2 घंटे में लगाइए, ठीक है, और बिल्कुल उसी माहौल में लगाइए जो एग्जाम में माहौल होता है, क्योंकि महत्वपूर्ण होता है कि आप एग्जाम के प्रेशर को बार बार फील करें, ठीक है, उस चीज को, या फिर उसके सामने बार बार आप लोग आए, जिससे कि आप उसके लिए अगर देखा जाए तो आपको सहूलियत हो पेपर में। ठीक है, अब जैसे टेस्ट सीरीज आप लगा रहे हैं, पॉलिटी का पेपर है, तो इसमें आपने जैसे घटना चक्र का एक आपने वो पॉलिटी का नोट्स बनाया है, आपको लगता है टेस्ट सीरीज में कोई डेटा रिपीट होता है, तो अब एक आर्टिकल है वो बार बार रिपीट होगा, ठीक है, आर्टिकल 44 है वो बार बार रिपीट होगा, 48 है वो बार बार रिपीट होगा, तो आपको वो नहीं लिखना है, वो एक जगह आपने लिख लिया। मान लो आपको लगता है कि कोई ऐसा नया डेटा है जो आपको पॉलिटी के पेपर में मिला है और आपको भूल जाएंगे, क्योंकि आदमी का दिमाग है एक उसकी क्षमता होती है, ठीक है, तो अगर मान लो आपको लगता है भूल जाएंगे, तुरंत उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, उसको एक पेज पर नोट करते जाइएगा। ठीक है, जो मेन मेन डेटा आपको मिलता है किसी भी टेस्ट पेपर में से, मार्केट में जितने भी पेपर हैं कोशिश करिए सभी लगा लें और उसको नोट करते जाइए, तो होगा क्या कि आपके जो नोट्स होंगे वो मैक्सिमम देखा जाए तो 150-200 पेज के हो जाएंगे। ठीक है, 150-200 पेज अगर आप बार बार रिवाइज कर लेंगे ना, तो आपके लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी पेपर में, उसे रिवाइज भी कर पाएंगे आप लोग, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि भाई इन 150 पेज में अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो 150 में से कम से कम हमें 100 के ऊपर क्वेश्चन इन 150 पेज में मिल जाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्वेश्चन कितने मिल रहे हैं वहां पे, और एक कॉन्फिडेंस ये भी है कि हमने यहाँ पे घटना चक्र भी पढ़ ली है, घटना चक्र के जो मेन मेन फैक्ट है हमने वो भी नोट डाउन कर लिए हैं, इसके बाद अगर कोई किताब है तो हमने वो भी नोट डाउन कर ली है, उसके भी हमने जो फैक्ट आते हैं बार बार वो हमने यहाँ पर देख ली है, नंबर 3 में कोई भी हमने टेस्ट सीरीज जो सॉल्व की हुई है वो भी हमें यहाँ पर नोट डाउन हमने कर ली है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप लोग नोट्स बनाएंगे तो मुझे लगता है कि जो तैयारी है आपकी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि यूपी का पेपर मतलब फैक्ट है, कॉन्सेप्ट नाम की चीज वहां पर नहीं है, मैक्सिमम अगर 10 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आ भी गए हैं तो वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, वो भी ऐसा नहीं होगा कि फैक्ट के बिना कॉन्सेप्ट होंगे, कथन कारण वाले क्वेश्चन अक्सर जो है वो कॉन्सेप्चुअल आ जाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो उसमें भी डेटा पिछले 1-2 साल से पूछ रहे हैं वो लोग, है ना, तो ये चीज करनी है कि जो मेन मेन डेटा है वो आपका नोट डाउन रहे। जैसे कि मान लीजिए आपका जो है विभिन्न जो एजेंसियां हैं, ठीक है, वो भारत सरकार की ग्रोथ का भी अनुमान लगा रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो एजेंसियां हैं, ये लगभग 4-5 एजेंसी हैं जो डेटा का अनुमान लगा रही हैं कि भाई समृद्धि दर कितनी रहेगी भारत की, तो वो 4-5 जो डेटा है वो एक जगह पे नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आप वहां पे भूलें ना।
ठीक है, कि किस उसने एजेंसी ने कौन सा जो है वो परसेंटेज रखा हुआ है, ठीक है, तो वो एक जगह पे नोट डाउन कर सकते हैं। इसी तरीके से नोट बनाइए तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए काफी लाभदायक रहेगा, और उसको बार बार रिवाइज करते रहिए, ठीक है, नोट्स को कम से कम 10-15 बार रिवाइज होने चाहिए आपके जो नोट्स हैं। हाँ, और जो मेन मेन टॉपिक है वो कहाँ से मिलेंगे, तो वो टॉपिक आपको देखो अगर आप जाएंगे ना तो मेक आईजीएस के टेलीग्राम चैनल पे भी हमने अपलोड किए हुए हैं, हमने यूट्यूब पे सारे वीडियो बनाए हुए हैं इसके पहले कि आपको साइंस कैसे पढ़नी है, आपको पॉलिटी कैसे पढ़नी है, आपको हिस्ट्री कैसे पढ़नी है, क्या क्या टॉपिक जो है मेन मेन टॉपिक क्या है वो भी आपको देखना है। इसके बाद हमारी जो मॉक पेपर की किताब आ रही है उसमें भी हमने जो मेन मेन टॉपिक है उसको महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण में क्लासिफाइड किया हुआ है, तो वहां से भी आपको वो टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोग पढ़िएगा, इस तरीके से आप लोग रिविजन कीजिएगा, तो होपफुली मुझे उम्मीद है कि इससे काफी आपको लाभ होगा, और साथ में परीक्षा में आपका चयन होगा और आप मुख्य परीक्षा जरूर लिखेंगे। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।